कुछ दिनों पहले नीला ध्वज हमारा निकाला गया था, और वो नीला ध्वज निकालना जिसका अपमान किया गया है, और पुलिस प्रशासन के माध्यम से कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी तक, और उसी सिलसिले में आज हमने अर्धनग्न आंदोलन रखा हुआ है। इस तरह से बता रहे हैं कि नीला ध्वज का अपमान कर रहे हैं, बार बार मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ लोग असामाजिक तत्व जिस तरह से वो बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, और आपस में देख रहा हूँ मैं उनके साथ जन समर्थन नहीं है, लोग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सच्चाई पे नहीं जा रहे हैं। वो नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज। नीला झंडा निकाले जाने के बाद भड़के भीम सैनिक। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाईंदर पश्चिम के गणेश देवल नगर परिसर में, जहाँ पर एक नीला झंडा लगाया हुआ था जिसको भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर सेवक दरोगा पांडे द्वारा निकाला गया। इस तरह का आरोप किया जा रहा है भीम सैनिकों द्वारा। आज उन्होंने भीम सैनिकों ने भाईंदर पश्चिम के पुलिस थाने पर मोर्चा लेकर आए थे, कपड़े उतार कर उन्होंने आंदोलन किया। पुलिस पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं हिचक रही है। इस संदर्भ में हमने पुलिस प्रशासन सहित भीम सैनिकों से बातचीत की, साथ ही साथ जिस पर आरोप किया जा रहा है वह नगर सेवक से भी बातचीत की दरोगा पांडे से। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारी आज जो आंदोलन हो रहा है अर्धनग्न आंदोलन हुआ है, और हमारी तकरार ये है कि कुछ दिनों पहले नीला ध्वज हमारा निकाला गया था, और वो नीला ध्वज निकालना जिसका अपमान किया गया है, और पुलिस प्रशासन के माध्यम से कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी तक, और उसी सिलसिले में आज हमने अर्धनग्न आंदोलन रखा हुआ है। हमने आज से 15 से 20 दिन पहले शिकायत की थी, और एसी मैडम के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन के साथ में गणेश देवल नगर यहाँ गए थे, और वहाँ पर जो बीजेपी के माजी नगर सेवक है दरोगा पांडे, इनके माध्यम से इनका ऑफिस वहाँ पर खुल रहा है, उनके माध्यम से ये झंडा निकाला गया था, और इसी सिलसिले में ये 15 से 20 दिन से ये आंदोलन चल रहा है हमारा। पुलिस कार्रवाई करने का एक ही रीज़न बता रही है कि हमने विधि डिपार्टमेंट को भेज दिया है, उनका अभिप्राय आएगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन हमारा कहना यही था कि जब तुम्हारी कार्रवाई होगी तब हो जाए, लेकिन हमारा जो नीला ध्वज वहाँ पर था वो वहाँ पर पुनः प्रस्तापित किया जाए, और हमारे जो भी जय भीम आम्बेडकरी समाज है उनको न्याय दिया जाए। पुलिस प्रशासन से हमारी मांगे पूरी नहीं की तो आज हम अर्धनग्न आंदोलन किए हैं, क्योंकि यह हमारे स्वाभिमान का अस्तित्व का विषय है। आज हमने अपना आधा कपड़ा उतार के हम आंदोलन कर रहे हैं। जब पुलिस प्रशासन ने हमारी मांग पूरी नहीं की तो हमको पूरा कपड़ा उतार के हमारे अस्तित्व के लिए रास्ते पे उतरना पड़े, तो हम उतरेंगे और हमारा आंदोलन आज से जारी रखेंगे। सगड़ना जय भीम, 15 दिवसापासून माननीय विश्वनाथ ताळे साहेब जो काही झेंडा काढला गेला त्या झेंड्याची विटंबना झाली माजी नगरसेवक दरोगा पांडेकडून, तर त्याच्यासाठी फॉलोअप घेत आहे पोलीस चौकीमध्ये, तक्रार नोंदण्याची प्रयत्न करत आहे। तरी पण पोलीस प्रशासनानं आतापर्यंत काही कारवाई केली नाही। अजूनही तुमच्यासमोर आम्ही पोलीस प्रशासनासमोर अर्धनग्न आंदोलन केलं यांच्या आमच्या माननीय विश्वनाथ ताळे साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली। याच्या आंदोलनामध्ये जर काय पोलीस प्रशासन ॲक्शन घेत नाही तर याच्यानंतर जे उमेश शिंदे साहेबांनी सांगितलं की पूर्ण नग्न व्हायची पण तयारी ठेवतो, यापुढे आम्ही पुढचं साहेबांच्या आदेशानुसार पुढे पाऊल उचलू। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीनं जो झेंड्याच्या संदर्भातला विषय आहे तो समाजाचा प्रश्न, झेंड्याचा प्रश्न आहे, आणि झेंडा त्या ठिकाणी जो उतरवलेला आहे त्या संदर्भात आमच्या सेक्रेटरीने जी काही तक्रार रीतसर केलेली आहे त्या तक्रारीवर प्रशासनानं लवकरात लवकर घेतली पाहिजे। अजूनपर्यंत प्रशासन दखल घेत नाही, कार्यकर्त्यांना बोलवलं पाहिजे। पोलीस स्टेशनची प्रतिमा मलिन होत आहे, आपण या गोष्टीचं PI ध्यान गांभीर्यपूर्वक लक्ष देऊन तो प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढण्यात यावा। की मैं बाबासाहेब आंबेडकर के विचारों पर चलने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और जो नीला ध्वज की बात कर रहे हैं मैं उसका मान सम्मान करता हूँ। मैं सभी जात धर्म को मानने वाला एक कार्यकर्ता हूँ, और मेरे प्रभाव में सभी तरह के लोग रहते हैं। आप स्थानीय लोगों से आप पूछ भी सकते हैं मेरे बारे में, मैं कैसा हूँ, किसको साथ में लेके चलता हूँ, नहीं लेके चलता। लेकिन क्या कुछ लोग हैं जो मेरे लिए षड्यंत्र रच रहे हैं मुझे बदनाम करने के लिए, और उन्होंने बहुत प्रयास भी किया है, और पुलिस ने मुझे बुलाया तो मैंने अपना स्टेटमेंट भी दिया, और मैंने बताया भी, उनको सच्चाई से अवगत भी कराया और प्रूफ भी दिया कि जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनके खिलाफ़ भी मैंने कार्रवाई की मांग की है। थोड़ी देर में आपको सच्चाई भी पता चल जाएगा कि कौन इसके पीछे है। आरोप निराधार है। भाईंदर वेस्ट में गणेश देवल नगर के यहाँ एक अपना झंडा रहा, उसके ऊपर जो बहुजन वंचित आघाड़ी
उनका कहना है कि वो हमारे परमिशन के बगैर वो निकाल डाला है। तो हम लोगों ने वहाँ से उनके तरफ से और बाकी जो ऑपोजिशन है उनके जो स्टेटमेंट लिए और उनके स्टेटमेंट के ऊपर विधि अधिकारी उनका अभिप्राय लिया, पर वो विधि अधिकारी ने उसमें कोई भी एट्रोसिटी का प्रकार दिख नहीं रहा ऐसा अभिप्राय दिया। उस कारण से हम लोगों ने परसों से बहुजन वंचित आघाड़ी के अध्यक्ष विश्वनाथ आवड़े उनसे संपर्क करने के प्रयास कर रहे थे, परंतु उन्होंने हम लोगों को कोई रिप्लाई नहीं दिया था। तो आज वो यहाँ आके हमसे मिले, उनको हम लोगों ने समझाया, परंतु उनका कहना है कि वो दाखिल होना ही चाहिए। अभी आगे की कार्रवाई सीनियर्स से और अभी भी अभिप्राय लेके आगे कार्रवाई कर रहे हैं। देखा आपने ये पूरा क्या था मामला, पुलिस इसमें अगर उचित कार्रवाई नहीं की तो आने वाले भविष्य में ज़रूर यह मामला तूल पकड़ते हुए नजर आएगा। आप देख रहे थे वाईएसआर न्यूज़ में अजीम तांबोली भाईंदर।